So last time we had done with the practice set 5.1. So today we are starting with the practice set 5.2. In this, first we have to learn the three formulas. First one is section formula. Section formula is x is equal mx2 plus nx1 upon, okay, and for y my2 plus ny1 upon m plus n, okay. M और n जो दिया हुआ रहेगा ना, ये रेशियोज के लिए दिया हुआ रहता है, okay. इसमें मोस्टली क्वेश्चन में अगर रेशियोज फाइंड आउट करने बोल रहा है या एक्स्ट्रा रेशियोज गिवेन है, दैट टाइम वी विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला. सेकेंड वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड y1 plus y2 upon 2, okay. And the last one is centroid formula. Centroid formula में ना three vertices are given, okay. Triangle का रहता है ये. इसके लिए simple रहता है x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. ये होते three formulas we have to use in this 5.1. Okay? First we'll start with the question number 1. Practice set 5.2. Question number 1. In this question number 1, find the coordinate of point P. Point P के coordinate we have to find out. If P divide the line segment joining the A and B in the ratio 2:3. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3. तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को ए और बी क्या गिवन है, दो पॉइंट गिवन है. ए इज माइनस वन एंड सेवन एंड बी इज गिवन एज फोर माइनस थ्री, ओके. हम लोग क्या लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x एंड y, ओके. हम लोग को ये मालूम करना है पॉइंट, यानी x और y वी हैव टू फाइंडिंग आउट. और P डिवाइड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3. मतलब m इज गिवेन एज 2 एंड n इज गिवेन एज m इज टू n इज इक्वल 2:3. ये हम लोग को गिवेन है. यहाँ पे a वाला हम लोग इसको सपोज करते हैं x1 y1 x2 and y2, ओके. सो लेट्स टेक बाय सेक्शन फॉर्मूला. बाय सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन हियर, ओके. एक्स हम लोग को पॉइंट पी मालूम करना है जिसमें एक्स और वाई है. तो सिमिलरली एक्स के लिए वी यूज एज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड फॉर वाई के लिए वी यूज है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. एम इज गिवेन एज टू और एक्स टू इज your 4 plus n is given as 3 and x1 is minus 1 upon m plus n is 2 plus 3. For y, m is 2, y2 is given as minus 3 plus n is 3 and y1 is given as 7 upon 2 plus 3. 4 2s are 6, मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में रिलेशन. फोर टू ज़ा 6, थ्री वन ज़ा
थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस का माइनस, टू प्लस थ्री इज फाइव। यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, माइनस का माइनस, प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फाइव। प्लस माइनस माइनस एट, प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन फाइव, ऐसे ही रहेगा। वाई के लिए देखने के लिए जाएंगे तो माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, एट माइनस थ्री इज फाइव अपॉन फाइव, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर की यानी प्लस की साइन जो कि इनविजिबल है। ट्वेंटी वन में से सिक्स माइनस किए तो फिफ्टीन अपॉन फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, एक्स की वैल्यू आ गई वन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, वाई की वैल्यू आ गई थ्री। हम लोग को पॉइंट पी वी हैव टू फाइंडिंग आउट, तो पी कितना आ गया हमारे पास वन एंड थ्री, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B in the ratio A B in the ratio 2:3। आ गया हमारे पास, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन में ही क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर इज गिवन, यू हैव टू सॉल्व दिस आउट। ओके नाउ आई लेट यू नो द क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर वन में जो फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूले से यू हैव टू सॉल्व, तो यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके आई लेट यू नो द क्वेश्चन नंबर फोर, इन दिस वी हैव टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, इन दिस वी हैव टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके इन दिस पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, हियर वी मेड वन सर्कल, इन दिस point P is the midpoint of the circle, okay? And AB is the diameter. AB is the diameter. Find the coordinate of point B. मतलब हम लोग को ये मालूम करना, तो हम लोग let's go example, हम लोग ले लेते हैं, let's assume B is the X and Y. If coordinate of point A and P are 2 माइनस थ्री एंड माइनस टू जीरो रिस्पेक्टिवली, ए दिया हुआ है हम लोग को 2 माइनस थ्री और पी इज गिवन एज माइनस टू जीरो। ओके विल हैव टू फाइंड आउट, फाइंडिंग आउट पॉइंट बी। यहां पे हम लोग को पी हम लोग को दिया हुआ है, यहां पे ए इज 2 माइनस थ्री, पी इज गिवन एज माइनस टू जीरो, एंड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं बी एक्स एंड वाई। ओके सो हम लोग यहाँ पे लेते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे वाई वी टेक मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर बिकॉज मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट एक्स के लिए, क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एंड फॉर वाई वाई टू सॉरी वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ओके यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग को जो गिवन रहता है ये हम लोग को, ये हमारा एक्स वन वाई वन है, ये हमारा एक्स टू वाई टू है, और ये पॉइंट बीच के जो हम लोग के ये फाइंड आउट करने दिए हुए थे ना, वो हम लोग को पी में दिया हुआ है। ओके तो मतलब ये x है और ये y, यहाँ पे p हम लोग को x माइनस टू दिया हुआ है इज इक्वल x1 वन इज टू प्लस एक्स टू वी हैव टू फाइंडिंग आउट अपॉन टू, यहाँ पे y इज गिवन एज जीरो इज इक्वल y1 वन इज माइनस थ्री प्लस y2 टू हम लोग को मालूम करना है अपॉन टू। यहाँ पे जो डिवीजन में है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
टू प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू जीरो माइनस थ्री प्लस वाई, टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस एक्स, जीरो इंटू टू इज ज़ीरो इज इक्वल माइनस थ्री प्लस वाई। क्या करेंगे, माइनस फोर ऐसे रहेगा, इधर प्लस टू है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस टू, एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर नंबर लिए, फोर प्लस टू इज सिक्स, एक्स आ गया यहाँ पे, वाई ऐसे ही रहेगा, जीरो ऐसे ही रहेगा, प्लस थ्री है इधर आके, माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू थ्री। ओके यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x इज माइनस सिक्स y इज थ्री आ गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मालूम करने हैं हम लोग को, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितने आ गया हमारे पास, माइनस सिक्स और थ्री, डन। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो वी हैव टू यूज मिड पॉइंट। नाउ लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फाइव। इन योर क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रेशियो का नाम आया मतलब इसमें वी हैव टू यूज अ सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी इज गिवन एज के सेवन, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग ए, ए इज गिवन एज एट नाइन, एंड बी इज गिवन एज वन टू। और हम लोग को के भी फाइंड आउट करना है और हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, रेशियोज भी फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बाइसेक्शन फॉर्मूला, ए बी और पी दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे तीनों चीज़ गिवन है। तो लेट पी द पी को हम लोग डिवाइड करते हैं सेगमेंट ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन। ओके लेट पी डिवाइड द सेगमेंट joining AB in the ratio M is to N by section formula. In this we don't need X also and the Y also, हम लोग सिर्फ इसमें ना Y का formula लेते हैं, बिकॉज एक्स में क्या है, के इज गिवेन ही। ओके तो विल स्टार्ट विद द वाई के फॉर्मूले से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाई, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस वाई इज गिवेन। यहाँ पे देखो x के लिए हम लोग को k दिया हुआ है ना, तो ये लेते तो हम लोग फिर से अटक जाते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली विल टेक एज y, y इज सेवन, m ऐसे ही रहेगा बिकॉज m इज नॉट गिवन, और ये x1 y1 x2 y2, y2 इज गिवन एज 2 प्लस n ऐसे ही रहेगा, y1 इज गिवन एज 9, m प्लस n इज ऐसे ही रहेगा। ओके सेवन, यहाँ पे इसको लिखेंगे टू एम प्लस नाइन एन अपॉन एन प्लस एन। यहाँ पे ये तो डिविजन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो टू एम प्लस नाइन एन। ओके अभी एम एम वाले साथ में कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो सेवन एम प्लस सेवन एन, 2m प्लस 9n, 7m यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 9n ऐसे ही रखेंगे प्लस में इधर आके माइनस। ओके 7 माइनस 2 इज 5m इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 इज 2m। अब 5 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सही से कर लेंगे तो 2 अपॉन 5 एम अपॉन टू इज टू, फाइव इज इक्वल्स टू एम इज टू एन।
यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गए, हमारे रेशियोज, वी हैव टू फाइंड हो गए हमारे रेशियोज जो हम लोग को फाइंड आउट करने थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो रेशियोज हम लोग को फाइंड आउट करने थे ना, दैट विल फाइंड आउट नाउ। हम लोग आते हैं कि हम लोग को जो के फाइंड आउट करना था उसके ऊपर, पी डिवाइड द सेगमेंट, यहाँ पे लिखेंगे पी क्या कर रहा है, डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:5। ओके, के क्या है, एक्स के लिए ना, अभी हम लोग मालूम करने के लिए क्या लिया था, डायरेक्टली वाई का फॉर्मूला लिया था, अब हम लोग क्या लेंगे, एक्स का फॉर्मूला लेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एक्स इज गिवन एस के, एम क्या है हमारे पास टू, एक्स टू इज वन प्लस एन दिया हुआ है फाइव एंड एक्स वन इज एट अपॉन टू प्लस के, टू वन जा टू प्लस फाइव एट जा फोर्टी, टू प्लस फाइव सेवन, फोर्टी टू अपॉन सेवन, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, के इज फाइंडिंग आउट एज सिक्स हो गया। यहाँ पे हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूले से के और जो हम लोग को मालूम करना था वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, आफ्टरवर्ड्स विल लेट यू नो द क्वेश्चन नंबर सेवन। थैंक यू।